गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में पाठ 3 छात्र जीवन शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ में बच्चों को बताया गया है कि छात्र का जीवन कैसा होता है, उसे किस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे कि उसका जीवन अच्छा बीते। ठीक है, छात्र जीवन मानवस्य जीवनस्य स्वर्ण काल अस्ति। छात्र का जीवन मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है। अस्मिन् काले एव मानवस्य मानव जीवनस्य निर्माण भवति यत्, क्योंकि इस समय में या इस काल में मानव के जीवन का निर्माण होता है। अस्मिन् काले छात्र यादृशं व्रत समुपनोति तनेव स स्वजीवन यात्रा निर्वाह करोति, क्योंकि इस काल में छात्र जैसा आचरण चुनते हैं उसी से वह अपनी जीवन यात्रा का निर्वाह करते हैं। विद्या अध्ययन छात्र जीवनस्य प्रथम कर्तव्यम अस्ति। विद्या का अध्ययन छात्र जीवन का प्रथम कर्तव्य है। विद्या अध्ययन काल तपस्या काल एव वर्तते। विद्या अध्ययन काल यानी पढ़ने का समय तपस्या का काल होता है। अतः अस्मिन् काले सर्वाणि सुखाय विहाय विद्या अध्ययनमेव छात्रस्य कर्तव्य भवेत्। अतः इस काल में सभी सुखों को त्याग कर विद्या का अध्ययन करना छात्र का कर्तव्य होना चाहिए। छात्राणां कृते इदम् आवश्यकम् अस्ति। छात्रों के लिए यह आवश्यक है यत् कि ते सर्वदा गुरु अनुशासने तिष्ठेयु, कि वे हमेशा गुरु के अनुशासन में रहें। गुरुणां सेवा सम्मानम आज्ञा पालनम च तेषां परम कर्तव्य अस्ति। गुरु की सेवा सम्मान और आज्ञा पालन करना उनका परम कर्तव्य है। गुरु अनुशासने स्थित्वा तस्य ज्ञान आज्ञा सर्वाणि कार्याणि नियमेन कर्तव्यानि। गुरु के अनुशासन में रहकर उनकी आज्ञा से सभी कार्यों को नियम से करना चाहिए। समस्य दुरुपयोग कदापि न कर्तव्य। समय का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। आत्मविकास छात्र जीवनस्य मुख्यम उद्देश्यम अस्ति। स्वम का विकास, आत्मविकास यानी स्वम का विकास छात्र जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अतः ते सदैव आत्मविकासाय प्रयत्न रतः भवेयु। अतः उन्हें हमेशा आत्मविकास के लिए तत्पर रहना चाहिए। देखिए बच्चों, आज मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया, यहाँ से यहाँ तक आप लोग जो है इसको पढ़िएगा। ठीक है।